नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। एक बॉलीवुड की मूवी आई थी जिसमें एक डायलॉग था, 21 दिन में पैसा डबल, और उस डायलॉग से काफी लोग प्रभावित भी हुए थे देश विदेश में। जब भी हम आम भाषा में अपने दोस्त यारों से बात करते हैं तो इस डायलॉग का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये उम्मीद रहती है कि आने वाले दिनों में हम पैसे को डबल कर लेंगे। लेकिन एक एक्सचेंज कंपनी, एक एक्सचेंज योजना के तहत क्रिप्टो करेंसी पूरे देश के साथ साथ पूरे विदेश में, पूरी दुनिया में इस कदर फैल गई और उसने कहीं ना कहीं इस 21 दिन में पैसा डबल करने की योजना को सच साबित भी कर दिया है। ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत जरूरी है। लेकिन कहा जाता है कि लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं। निवेश कई तरह के होते हैं और निवेश इसलिए होता है ताकि हम पैसे से पैसा बना सकें। पैसे से पैसा बनाने की कहावत बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि अगर हम किसी काम में पैसा लगाएंगे तभी हमें उसका मुनाफा मिलेगा, यानी पैसा लगाकर ही पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। कुछ लोग निवेश के लिए जमीन खरीदते हैं, कुछ सोना चांदी खरीदते हैं, कुछ घर द्वार खरीदते हैं, हम जैसे लोग किताब कॉपी खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि आगने वाले दिनों में जब हम इसे बेचेंगे, हालांकि किताब कॉपी तो नहीं बिकती है, लेकिन जब जमीन सोना चांदी ये सारी चीजें बेची जाती हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो निवेश का पैसा हमें बढ़कर मिलता है, तो उससे ये कहावत साफ साबित हो जाती है कि पैसे से पैसा बनता है। फिलहाल आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सबसे अहम बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी इस वक्त भारत में 8% से ज्यादा लोग जो है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी है क्या, यह जान लेना सबसे अहम है। क्रिप्टो करेंसी एक लैटिन भाषा का शब्द है, ये दो टुकड़ों में है। सबसे पहले हम चलेंगे क्रिप्टो पर। क्रिप्टो आया है क्रिप्टोग्राफी से, और क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है छुपा हुआ। दूसरा शब्द जो है करेंसी, करेंसी भी कार्टियन से आया है जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है पैसा, यानी छुपा हुआ पैसा। अब यह काम कैसे करता है, इस वक्त पूरे भारत में करीब 8% लोग ऐसे हैं जो इस क्रिप्टो करेंसी में निवेश किए हुए हैं, और बताया जा रहा है कि करीब 70,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश इस वक्त पूरे भारत में इस क्रिप्टो करेंसी में किया गया है, जो कि हमारी जीडीपी से भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा है। 3% हमारी जीडीपी का जो है वो 3% निवेश इसमें किया गया है, और जो हमारा एनुअल बजट होता है सरकार का उसमें भी करीब 17% उसका जो हिस्सा है वो क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज हमारे जनता ने किया हुआ है। क्रिप्टो करेंसी है क्या, बताया जाता है कि दरअसल ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, और मैथमेटिकल फॉर्मूला कंप्यूटर के माध्यम से डाला जाता है। ये फॉर्मूला जब एल्गोरिदम से टकराता है तो उसके बाद वहां पर क्वाइन बनता है, और वही क्वाइन होता है क्रिप्टो करेंसी। इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इस पर किसी की नजर नहीं है। क्रिप्टो करेंसी चाहे तो एक रात में किसी को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है, और किसी को अगर चाहे तो इतना भी गिरा सकती है, भिखारी तो नहीं कहूंगा लेकिन हां इतना जरूर गिरा देगी कि आप कंगाल जरूर हो जाएंगे। उसके बावजूद देश और दुनिया में लगातार क्रिप्टो करेंसी पर लोग बड़े पैमाने पर एक्सचेंज कर रहे हैं, और उनका यही दावा है कि अगर हम पैसा लगाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा। लेकिन कई बार देखा गया है यही है कि क्रिप्टो करेंसी में बड़े बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बीते सालों में अगर हम एक साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए जो विज्ञापन है उनकी कीमत 100 से 150 करोड़, कहीं कहीं पे 180 करोड़ तक की गई हुई है। ये हम भारत की बात कर रहे हैं। और उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी यूज करने वाले कितने लोग अमीर हो गए हैं, या कितने लोग जमीन से आसमान पहुंच गए हैं, कितने अमीर हो गए हैं, इसका कोई भी ऐसा ताजा नजरिया या फिर इसका कोई भी ऐसा ग्राफ तो नहीं देखा जा सकता। अनुमान जरूर है कि लोगों को फायदा होता है, लेकिन अनुमान यह भी है कि नुकसान भी बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी चलाने वाले लोग हैं, कहा जाता है कि जब हम किसी चीज में एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसकी फीस भी ये क्रिप्टो करेंसी चलाने वाले जो कंपनीज हैं, जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, वो लेती हैं, और उसी में से एक कंपनी है वजीर एक्स। वजीर एक्स 2018 में शुरू हुई थी, और बताया जा रहा है कि वजीर एक्स के जो मालिक हैं इस वक्त निश्चल शेट्टी, इनकी कुल आय 38,000 करोड़ की हो गई है। दूसरी चीज क्वाइनबिट, क्वाइनबिट भी लगातार इसी तरह से काम कर रहा है, और उसकी जो इनकम है वो 49,000 करोड़ की हो गई है। तो इस तरह से लगातार जो इसको रन करवा रहे हैं
जो लोगों को अपने में निवेश करवा रहे हैं, अपनी कंपनियों में, अपनी एक्सचेंज में निवेश करवा रहे हैं, वो तो फायदे में पहुंच रहे हैं, लेकिन अंधाधुन 21 साल से 35 साल के जो लोग देश प्रदेश दुनिया में हैं, वो बड़े पैमाने पर इस पर एक्सचेंज कर रहे हैं और कहीं कहीं पर इसका घाटा इतना हो जा रहा है कि लोग मानसिक तनाव भी उनको इतना बढ़ रहा है कि लोग आत्महत्या तक करने के लिए प्रयासरत होते हुए दिखाई दिए हैं। दूसरी अहम चीज, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मनी है, क्रिप्टो करेंसी पर अगर बैन लगता है, क्योंकि आरबीआई ने 2018 में इस पर बैन लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इसको फिर से देश में शुरू कर दिया कि ठीक है इसको किया जा सकता है। लेकिन कल मोदी कैबिनेट की जो बैठक हुई है, उस बैठक के बाद ये बात कही गई है कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन या नियंत्रण दोनों में से कुछ भी लगाया जा सकता है और इसका जो अध्यादेश है वो शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। अहम बात और भी कई सारी है इसमें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी डायलॉग में इस बात को कहा था कि क्रिप्टो करेंसी का जाल जिस तरह से पूरी देश और दुनिया पर फैल रहा है, उससे कहीं ना कहीं देश और दुनिया के जो युवा हैं वो काफी इसके मकड़ जाल में फंसते जा रहे हैं, अपना नुकसान करते जा रहे हैं, अपना भविष्य बर्बाद करते जा रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अनुसार, प्रजातंत्र के अनुसार इस पर कहीं ना कहीं नजर बनानी बहुत जरूरी है, इस पर मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन इस पर अभी भी सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो पाई है। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल इलीगल कामों के लिए भी होता है, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं, जिसमें आतंकवाद को बढ़ावा देना हो गया या फिर नशीले पदार्थों का सेवन हो गया, उसको खरीदना हो गया, डिजिटल घोटाले भी हो गए। नशीले पदार्थ का एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, क्योंकि बीते दिनों सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे जो ड्रग्स केस में फंसे हुए थे, तो बताया जा रहा था कि उन्होंने जब ड्रग्स खरीदा था तो वो भी इसी क्रिप्टो करेंसी के तहत ही खरीदा था, जिसकी जांच पड़ताल अभी चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो जनता है, जो लोग हैं, वो सिर्फ एक चीज को समझते हैं, वो है प्रॉफिट। पुराने स्कूल और नए स्कूल दोनों जगहों पर जब हम पहले पढ़ते थे या पुराने जो हमारे पूर्वज पढ़ते थे और अभी के जो नए छात्र हैं, उनको सब्जेक्ट के रूप में एक शब्द पढ़ाया जाता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट को ही देखते हुए क्रिप्टो करेंसी में बड़े पैमाने पर जो युवा हैं वो अपने आप को झोंक रहे हैं और अपना भविष्य बर्बाद करने में लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल सरकार की पूरी कोशिश है कि इस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण लगाया जाए, इस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाया जाए, इस पर कुछ मॉनिटरिंग करी जाए, ताकि इस पर जो लगातार जो युवाओं की समस्याएं बढ़ रही हैं, जो लगातार युवा इसमें फंसते जा रहे हैं, वो दरअसल मॉनिटरिंग के तहत आ जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ उसमें बचते हुए नजर आएगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्रिप्टो करेंसी पर नियंत्रण होगा, सरकार इसको बैन करेगी, और अगर करती है तो जिन लोगों ने अब तक इसमें निवेश किया हुआ है दरअसल उनका क्या होगा, और जो निवेश करना चाह रहे थे, जिनको लग रहा था कि सामने जिलेबी रखी है, उठा के खा लो, सब कुछ अच्छा है, प्लेट के अगल बगल कोई नहीं है, उनका क्या होगा। आज हम इसी विषय पर डिबेट करेंगे, एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इस बारे में बिल लेकर आ रही है। ऐसी खबरें आते ही सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी धड़ाम हो गई। बिटकॉइन करीब 11% की गिरावट के साथ 40,44,402 रुपए पर, टीथर करीब 12% की गिरावट के साथ 70.50 रुपए पर, एथरम करीब 9% की गिरावट के साथ 3,03,849 रुपए पर, और डॉजकॉइन करीब 11% की गिरावट के साथ 15.83 रुपए पर चल रहा था। सभी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 लाएगी। भारत में जितने लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है वो भारत की आबादी का लगभग 8% है। इन निवेशकों ने करीब 70,000 करोड़ रुपए वर्तमान में दुनिया भर में प्रचलित कई तरह की डिजिटल करेंसी पर लगाए हुए हैं। ऐसे में सरकार भारत में क्रिप्टो पर बैन लगाने का फैसला करती है तो दाम 70,000 करोड़ रुपए का लगा चुके भारतीय निवेशकों के लिए तगड़ा झटका होगा। बता दें कि साल 2009 में लॉन्च किए जाने के बाद साल 2013 तक सिर्फ बिटकॉइन ही एकमात्र डिजिटल करेंसी चलन में थी, लेकिन अब दुनिया भर में 7,000 से ज्यादा अलग अलग क्रिप्टो करेंसी चलन में है।
हालांकि दुनिया की सबसे लोकप्रिय डिजिटल मुद्रा अभी भी बिटकॉइन बनी हुई है और इसके बाद इथेरियम का नंबर आता है। हालांकि विधेयक में डिजिटल करेंसी में निवेश के शौकीनों के लिए थोड़ी सी राहत भी दी गई है। उनके लिए सरकारी डिजिटल करेंसी का विकल्प लाने का आश्वासन दिया गया है। आरबीआई की डिजिटल करेंसी का रास्ता तैयार करने के लिए विधेयक में डिजिटल करेंसी की अंतर्निहित तकनीक और इसके उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों को अनुमति दिए जाने का भी प्रस्ताव किया गया है। अगर किसी को डिजिटल करेंसी में बेहतर भविष्य दिख रहा है तो वे बिटकॉइन, इथेरियम जैसी प्राइवेट क्रिप्टो में निवेश भले ही न कर पाएगा, लेकिन सरकारी करेंसी का विकल्प खुला रहेगा। गौरतलब है कि देश में बड़े पैमाने पर लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं। इन करेंसीज में काफी उतार चढ़ाव होता है। इनका कुछ पता नहीं होता कि ये कहां से शुरू हो रही हैं और कहां से संचालित हो रही हैं। ऐसे में सरकार ने इसके बारे में फैसला करने के बारे में सोचा है, जिसे अच्छा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इस बारे में बिल लेकर आ रही है। ऐसी खबरें आते ही सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी धड़ाम हो गई। बिटकॉइन करीब 11% की गिरावट के साथ 40,44,402 रुपए पर, टीथर करीब 12% की गिरावट के साथ 70.50 रुपए पर, एथरम करीब 9% की गिरावट के साथ 3,03,849 रुपए पर और डॉज कॉइन करीब 11% की गिरावट के साथ 15.83 रुपए पर चल रहा था। सभी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 लाएगी। भारत में जितने लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है वो भारत की आबादी का लगभग 8% है। इन निवेशकों ने करीब 70,000 करोड़ रुपए वर्तमान में दुनिया भर में प्रचलित कई तरह की डिजिटल करेंसी पर लगाए हुए हैं। ऐसे में सरकार भारत में क्रिप्टो पर बैन लगाने का फैसला करती है तो दाम 70,000 करोड़ रुपए का लगा चुके भारतीय निवेशकों के लिए तगड़ा झटका होगा। बता दें कि साल 2009 में लॉन्च किए जाने के बाद साल 2013 तक सिर्फ बिटकॉइन ही एकमात्र डिजिटल करेंसी चलन में थी, लेकिन अब दुनिया भर में 7,000 से ज्यादा अलग अलग क्रिप्टो करेंसी चलन में है। हालांकि दुनिया की सबसे लोकप्रिय डिजिटल मुद्रा अभी भी बिटकॉइन बनी हुई है और इसके बाद इथेरियम का नंबर आता है। हालांकि विधेयक में डिजिटल करेंसी में निवेश के शौकीनों के लिए थोड़ी सी राहत भी दी गई है। उनके लिए सरकारी डिजिटल करेंसी का विकल्प लाने का आश्वासन दिया गया है। आरबीआई की डिजिटल करेंसी का रास्ता तैयार करने के लिए विधेयक में डिजिटल करेंसी की अंतर्निहित तकनीक और इसके उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों को अनुमति दिए जाने का भी प्रस्ताव किया गया है। अगर किसी को डिजिटल करेंसी में बेहतर भविष्य दिख रहा है तो वे बिटकॉइन, इथेरियम जैसी प्राइवेट क्रिप्टो में निवेश। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं, चिन्मय देव हैं, क्रिप्टो एक्सपर्ट। इसके अलावा संजीव कुशवाहा जी हैं, क्रिप्टो एक्सपर्ट। दिलीप यशवर्धन साहब हैं, विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विजय दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। आप सभी मेहमानों को आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। आज के मुद्दे पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये थोड़ा नुकसान भी देश को पहुँचा रही है और इसके फायदे के चक्कर में बड़े पैमाने पर लोग, बड़े पैमाने पर युवा इसके जो अंधेरी नगरी है इसमें धसते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन इसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। चिन्मय देव हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्रिप्टो एक्सपर्ट के रूप में। चिन्मय जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या और कितना प्रभाव ये जो युवा है 21 साल से 35 साल तक का, क्योंकि जो रिपोर्ट कहती है वो यही कहती है कि 21 साल से 35 साल या 40 साल तक के जो युवा है वो बिना कुछ सोचे समझे इस अंधेर नगरी में कूद पड़े हैं, कूद रहे हैं, तो ये क्या है और ये कितना नुकसानदायक है? नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले। और मैं प्राइम टीवी के तमाम दर्शकों को भी बताऊंगा कि
आखिर क्रिप्टो करेंसी इन दोनों पॉपुलर क्यों हुआ है? देखिए, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक डिजिटल करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज है, और डिसेंट्रलाइज होने की वजह से काफी फायदे हैं इसके। मैं लगातार सुन रहा था जब आप कह रहे थे कि लोग इसके शिकंजे में फंसते जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, क्रिप्टो करेंसी एक प्लेटफॉर्म है जिसने ब्लॉकचेन के जरिए लोगों को काफी फायदा पहुंचाया है। चूंकि क्रिप्टो पे हम लोग लगातार काम करते रहते हैं, लगातार अपडेट्स देखते रहते हैं, और तो यह बिल्कुल समझ में आता है कि क्रिप्टो करेंसी जिस तरह से लगातार इंडिया में फैल रहा है, क्योंकि पिछले साल आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी पे 400% का ग्रोथ आया है। और जब आप बात करते हैं युवाओं की, तो ऑब्वियसली युवा को ग्रोथ चाहिए। अभी के टाइम पे कोई भी चाहता है कि वो पैसे लगाए तो उसका पैसा सुरक्षित हो। और अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की स्पेसिफिकली, तो आज के तारीख में हर जगह से, अगर आप डिजिटल करेंसी की बात करें, क्रिप्टो करेंसी की बात करें, तो जिस तरह से इंडियन मार्केट पे इसका प्रभाव आया है, उससे लोगों ने सिर्फ फायदा बनाया है। हाँ, कुछ लोगों को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन आप कोई भी काम करेंगे तो आपको नुकसान तो होगा ही होगा। आपको समझकर ये करना होगा कि आखिर आप जब क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप डिजिटल करेंसी पे इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा आपको रिसर्च करके के ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अभी अभी मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि सरकार जो है वो बैन करने की तैयारी में है क्रिप्टो करेंसी को, तो मैं थोड़ा सा उसको सही दिशा में ले जाना चाहूंगा जी, जरूर। कि पार्लियामेंट में जो जो बिल आने की तैयारी है वो कहीं बैन नहीं कहता है। अच्छा, वो कहता है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। इसका मतलब है कि आरबीआई और सरकार मिलकर एक रास्ता लाना चाह रही है जहां पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसको चेक किया जा सके। जो वर्ड यूज किया जा रहा प्राइवेट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी तो हमेशा से प्राइवेट है। वो तो सिंगल ओनरशिप पे होता है ना, इंडिविजुअल ओनरशिप पे है। आज मेरा है तो मेरा ही है वो। और गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि देखिए जिस तरह से निवेश हो रहा है क्रिप्टो करेंसी में, अभी तक 600, आप सोचते 6.5 बिलियन डॉलर्स पिछले साल से अभी तक इन्वेस्ट इंडिया मार्केट में हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज थी यहाँ पर, मैं आपसे पूछना चाहता चिन्मय भाई कि जी, इलीगल चीजें भी काफी बढ़ी हैं और कहा जा रहा है कि उसमें भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी या फिर डिजिटल जो मनी है उसका बहुत बड़ा हाथ है, चाहे वो टेररिज्म की बात हम कर लें या फिर डिजिटल फ्रॉड्स की बात कर लें, या फिर ये भी कहा गया है कि कुछ जो लोग ऐसे भी हैं जो नशीले पदार्थ, ड्रग्स हो गया, या फिर इन चीजों को जब परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या किसी की मदद कर रहे हैं, तो उसमें भी क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन या फिर डिजिटल मनी का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा रोल बताया जा रहा है, तो क्या ये बात सच है? ऐसा हो सकता है? देखिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जरूर क्रिप्टो करेंसी ने आसान जरूर कर दिया है, लेकिन अगर आप कहेंगे फ्रॉड के बारे में कि ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि साइबर सिक्योरिटी के मामले में आज क्रिप्टो करेंसी सबसे बेहतर सुविधा है। अच्छा, सबसे, चूंकि टेक्निकली आप उन चीजों को देखेंगे कि ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, इस वजह से साइबर मामलों की जो फ्रॉड्स हैं वो क्रिप्टो से सबसे कम होगा, लीस्ट होगा ये। ठीक है, आज के तारीख में अगर आप देख लीजिए तो हर दिन हर शहर से यूपीआई ट्रांसफर्स में फ्रॉड हो रहे हैं, हर शहर से क्रेडिट कार्ड से क्योंकि लेकिन क्रिप्टो में फायदा क्या है, क्रिप्टो में कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, ना आपको एटीएम चाहिए, ना एक बैंक चाहिए जो ट्रांसफर करे। जब आपको आपके पास थर्ड पार्टी नहीं है, तो जो रिस्क होता है साइबर फ्रॉड का वो काफी कम है। अब आते दूसरे पहलू पे, जहां कह रहे थे कि टेररिज्म फंड किया जा सकता है इससे, या हाल फिलहाल अभी फंडिंग की जो चीजें हैं, फंडिंग की चीजें भी निकल कर आई थी कि कहीं ना कहीं, देखिए बहुत सीधी सी बात है कि चूंकि इंटरनेशनल ट्रेड जो है आसान हो जाता है, क्योंकि आप ट्रांसफर बहुत आसान है, रियल टाइम ट्रांसफर होता है। अब जब रियल टाइम ट्रांसफर होगा तो लेकिन बेहतर बात क्या है कि अगर आप टेररिज्म से इसको जोड़ेंगे, तो थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा इस स्टेटमेंट से, क्योंकि इसमें केवाईसी इसके बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, अगर केवाईसी स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि सरकार अगर कोई विधेयक ला रही है, कोई कानून ला रही है, तो जरूर उनका मंशा यह क्लियर होगा कि उनको इन पहलुओं पे जहां पर केवाईसी को और स्ट्रांग करे, ना कि करेंसी को सोचे बैन करने का। ठीक है, मैं मुझे लगता है मैं आता हूँ आपके पास। संजीव कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी क्रिप्टो एक्सपर्ट के रूप में है। संजीव भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा था क्योंकि इसकी कुछ भ्रांतियां हैं, क्या वो भ्रांतियां सत्य हैं?
जिनके बारे में भी बात हो रही थी कि टेररिज्म को भी फंडिंग हो सकती है, कुछ नशीले पदार्थ भी खरीदे जा रहे हैं, और एकाएक बड़े पैमाने पर करीब 70,000 करोड़ का इन्वेस्ट देश की जनता ने, 8% देश की जनता ने इस क्रिप्टो करेंसी में किया हुआ है। तो अगर इस पर नियंत्रण लगाया जाए, ब्रेक लगाया जाए, हो सकता है बैन भी लगाया जाए, तो ये जो पैसा फंसा है लोगों का, ये हालांकि उन्हें वापस तो नहीं मिलेगा, रास्ता क्या होगा इसका? देखिए नितिन जी, मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक अभी जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, क्योंकि छोटा मोटा पैसा तो है नहीं, बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है लोगों का। दूसरा चीज ये कि जो बताया जा रहा है कि नए युवा इसमें आ रहे हैं, तो नए युवा इसमें इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अगर किसी भी चीज में अगर बेनिफिट और प्रॉफिट नहीं दिखा होता, जैसे 2009 से लेकर के 2021 चल रहा है, लगभग 12 साल हो गए, 12 सालों में लोगों को बेनिफिट महसूस नहीं हुआ होता, तो ये इतनी तेजी से नहीं आते। तो इसको बुरी लत भी तो कहा जा सकता है। मैं बता रहा हूँ सर, बुरी लत भी हो सकती है, लेकिन उसपे बेनिफिट लोगों का अगर हुआ है तो यहाँ है। रही बात टेररिज्म की, तो टेररिज्म में इसकी फंडिंग अगर जो भी जा रही है, वो इससे पहले भी जाया करती थी, आज भी जा रही है। इसके लिए गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, जिस तरह से बैंकिंग में उन्होंने आधार कार्ड और पैन कार्ड का केवाईसी का एक सिस्टम लगाया कि वो डाल करके चेक किया जा सकता है कि एक व्यक्ति कितने अकाउंट हो सकते हैं, सेम उस तरह का कुछ ऐसी सिस्टम लाए कि जो भी व्यक्ति यहां से इन्वेस्टमेंट करे, कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करे, किसी न किसी एक्सचेंज के माध्यम से। डायरेक्ट तो खरीदारी कर नहीं सकता है, तो डायरेक्ट खरीदारी नहीं कर सकता, किसी एक्सचेंज से जाएगा तो उसके पैन कार्ड और आधार कार्ड से ये रिकॉर्ड निकाले जा सके कि ये ट्रांजेक्शन कहां से किए गए हैं, जिसके माध्यम से इसको रोका जा सके, इस पे कंट्रोल किया जा सके। हाँ, इसको बंद नहीं किया जा सकता है। अच्छा। क्योंकि ये INR का लेन देन बंद कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो डॉलर में होते हैं उसको तो रोका नहीं जा सकता है। अच्छा, और ये जो भ्रांतियां फैली हुई है कि टेररिज्म को भी इससे फंडिंग होती है या फिर नशीले पदार्थ भी इससे खरीदे जाते हैं, क्योंकि पीछे बीते दिनों एक देखा भी गया, जब आर्यन खान का जो मामला आया था, वहां बताया जा रहा था कि क्रूज पर जब ड्रग्स खरीदा था तो उसकी जो पेमेंट हुई थी या फिर जो लेन देन हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी के तहत हुई थी। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके नुकसान है जो कि देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, देश के सवाल से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर, देखिए नुकसान और फायदे हर जगह होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे बल्ब जल रहा है तो बल्ब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों से मिलकर जलता है। तो अगर किसी चीज के, जैसे मान लीजिए भारत में साइंटिस्ट ने बहुत सारे आविष्कार किए, तो उस आविष्कार का फायदा हुआ तो कुछ नुकसान भी हुआ। तो ज्यादातर करके अगर भारत सरकार कुछ चीजों पे काम किया है तो कुछ जो फायदा भी होता है, नुकसान उसमें इस फायदे भी है नुकसान भी है, लेकिन इसको एक रेगुलेटरी के दायरे में लाया जाए कि उससे नुकसान कम हो। अच्छा, ये सारी चीजें की जा सकती। ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हैं विशेषज्ञ के तौर पर। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि क्रिप्टो करेंसी का चलन उत्तर प्रदेश, देश, दुनिया लगातार बढ़ते जा रहा है, और अब सरकार इस पर, देश की जो हमारी सरकार है वो इस पर लगाम लगाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि कोई अध्यादेश आने वाला है जहां पर इस पर नियंत्रण रखने के लिए, मॉनिटरिंग बनाने के लिए कुछ किया जा सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि बैन लगा दिया जाए। आपके नजर से सही क्या होगा और किस तरीके से ये जो लगातार क्रिप्टो करेंसी का जाल है, ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है? कुछ तो राजा महाराजा हो जा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, वो बताना मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर ऐसे जो हैं वो फकीर की लिस्ट में आ जा रहे हैं, कितना सही है ये? नितिन जी, आपने जब अपना ओपनिंग स्टेटमेंट स्टार्ट किया था तो आपने एक पिक्चर का उदाहरण दिया था कि बहुत पहले एक पिक्चर आई थी कि 21 दिन में पैसा डबल। ये पिक्चर ही नहीं आई थी, ये इस भारत देश में जो म्यूचुअल फंड की कंपनियां, जो चिटफंड कंपनियां खुली थी, उन्होंने रियलिटी में 21 दिन में पैसा डबल करने का सपना लोगों को दिखाया, और जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे उनका पैसा डबल हुआ, और उनको देख करके जब बाद वाले लोगों ने इन्वेस्ट किया तो वो कंपनी बंद करके भाग। अभी जो दो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी बात कही, मैं सम्मान उनकी बात से 90% एग्री नहीं करता। अच्छा। इसलिए एग्री नहीं करता कि ये जो क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट है, इट इज प्योर स्पेक्यूलेशन विदाउट रेगुलेशन। जी, प्योर स्पेक्यूलेशन विदाउट रेगुलेशन। टेक्निकली क्रिप्टो करेंसी साउंड हो सकती है, लेकिन लीगली ये बिल्कुल भी साउंड नहीं है। बिल्कुल लीगली इसलिए साउंड नहीं है कि पहली बात इंडिया ही नहीं, इंडिया में तो कोई रेगुलेशन है ही नहीं। 2009 से ये इंट्रोड्यूस हुई, बिटकॉइन बच्चे बच्चे की जबान पर है, लेकिन बिटकॉइन एक्चुअली में क्या है, कौन रेगुलेट कर रहा है, कैसे प्राइजेस बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं, ये किसी को नहीं पता है। क्यों प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहां भी लग रहा है। और आप देखिए कि जो क्रिप्टो करेंसी है, इसकी डिमांड बढ़ने की वजह से इसके प्राइजेस बढ़ते हैं,
बल्कि जो 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 इंट्रोड्यूसर हैं इस क्रिप्टो करेंसी के, वो क्या कर रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर के कहां लगा रहे हैं, ये इन्वेस्टर को नहीं पता है। जिस चीज पर मैंने बोली लगा दी उस चीज की डिमांड बढ़ गई, जिसने नहीं खरीदा उसको लगा ये चीज अच्छी है मैं खरीद लेता हूं, लेकिन मेरे पैसे का क्या हो रहा है, वो बिटकॉइन की कंपनी या क्रिप्टो करेंसी की कोई भी कंपनी मुझे रिटर्न कैसे दे रही है, इसकी कोई टेक्नोलॉजी किसी को नहीं पता। मैं निवेदन करूंगा जो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स बोल रहे थे वो बताएं, क्योंकि जो जो शेयर्स में पैसा लगाते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, हमें पता है कि वो कंपनी हमसे पैसा लेकर के अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है और उस बिजनेस से प्रॉफिट करा के उसका पार्ट हमको शेयर कर रही है, चाहे वो म्यूचुअल फंड बेनिफिट्स हो, चाहे वो डिविडेंड के थ्रू हो, चाहे वो मार्केट का घटना बढ़ना हो, एनएनसीबीएसई जो भी होता है। बट क्रिप्टो करेंसी में ये प्रॉफिट कैसे जनरेट हो रहा है हमें नहीं पता। और क्रिप्टो करेंसी की एक सच्चाई और भी है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी इशू की जाती है उसकी एक लिमिटेशन होती है। अगर कोई चीज लिमिटेड है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब है कि वो पैसा उतनी ही चीजों में रोटेट कर रहा है। मेरा, मैंने खरीदा, आपने बेचा, आपने खरीदा, उन्होंने बेचा, तो ये आपस में ही पैसा रोटेट हो रहा है। और जिस भी दिन, जैसे ये लीगल टेंडर नहीं है, जैसे हमारे भारत में नोटबंदी हुई, किसी दिन इस तरीके से बिटकॉइन की बंदी हो गई, तो नोटबंदी में तो पैसा बैंकों से हमने इनकैश करा लिया, चेंज करा लिया, बिटकॉइन का एक्सचेंज कहां पर होगा, कहां जाएंगे, किस काउंटर पे कहेंगे, किससे मांगेंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल आदमी है? इंडिया में ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज ने इसको रेगुलेट किया है, जिन्होंने रेगुलेट कर दिया है वहां पर गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी ले रही है। बट जो इंडियन इन्वेस्टर है, आपने बताया 8% लोग, 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, आज बिटकॉइन की कंपनी इसको इलीगल टेंडर कर दे तो ये 70,000 करोड़ रुपए का 70 पैसा इंडियन इन्वेस्टर्स को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये ठीक है कि आरबीआई ने एक बार बैन लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ किया, और अभी जो बात आ रही थी कि केवाईसी लेकर के करना चाहिए, मैं ये भी बता दूं कि कुछ कंपनियां हैं जो इंटरमीडियरी कंपनीज होती हैं, कुछ कंपनीज ने केवाईसी मैंडेटरी किया है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक केवाईसी नहीं लिया है, वो बिना केवाईसी के इसको करा रही हैं। सो इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो ये कहा था कि हाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया था कि इन्वेस्टमेंट्स के बाद अगर हमारे लॉसेस होंगे, जैसे इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में हम डील करते हैं तो उसके पीछे रेगुलेटरी बॉडी सेबी बैठी हुई है, हमारे पैसे को सेफगार्ड करने के लिए सेबी बैठी है, सेबी में पैसा इन्वेस्ट होता है, सेबी के पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, सारी मॉनिटरिंग होती है, हमारे एसेट मैनेजर्स बैठे हुए हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिनका पता हमें मालूम है कि ये कंपनी है, ये एसेट मैनेजमेंट कर रही है, ये लोग हैं, ये पोर्टफोलियो मैनेजर है, सारी चीजें पता है। बट बिटकॉइन के बारे में या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में मुझे भी नहीं पता है, जो इंटरमीडियरीज कंपनी है जो इन्वेस्ट करा रही उनको भी नहीं पता है, और ओवरऑल इसमें भारत सरकार की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, आपके हिसाब से क्या बेहतर होना चाहिए, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाने चाहिए? नहीं, सरकार अब जो बिल लेकर के आ रही है, इसमें मैंने कहा कि वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करेंगे, वो करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी करेंसी पे बेस करती है, अगर इस करेंसी का कंट्रोल हम प्राइवेट कंपनीज के हाथ में, प्राइवेट लोगों के हाथ में दे देंगे, आज आप यहां बैठ करके तारीफ कर रहे हैं, इंडिया में अगर भारत सरकार किसी चीज को प्राइवेटाइज कर रही है तो आप उसको गलत कह रहे हैं। तो मनी का कंट्रोल प्राइवेट आदमी करेगा तो वो अच्छा है, और बिजनेस का कंट्रोल अगर प्राइवेट आदमी करेगा तो वो अच्छा नहीं है, वो सरकार को करना चाहिए। ये कॉन्ट्राडिक्शन है लोगों की थॉट में। देखिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर रेगुलेटरी बॉडी, जब इंडियन करेंसी, इंडियन क्रिप्टो करेंसी की हम बात करेंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को बिल लेकर कहना चाहिए। टेक्नोलॉजी अच्छी है, लोगों को इन्वेस्टमेंट से फायदा होता है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को री इन्वेस्ट कहां किया जा रहा है, इसके पीछे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। जब इंडियन गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी लेगी, इसके ऊपर रेगुलेटरी बैठा लेगी, कानून तय होंगे, तो मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स सेफ होंगे। ठीक है सर, विजय दुबे जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं। विजय सर, कुछ पैसा है जो सामने दिख रहा है लेकिन हम और आप उसे पकड़ नहीं सकते, हम और आप उसे छू नहीं सकते, हाँ ये कह सकते हैं कि इसको निवेश करके और पैसा बनाया जा सकता है, कितना सही है ये? आपने एक्सपर्ट्स की बात सुनी, आपने दिलीप सर की बात सुनी, आप कितना सहमत हैं हमारे एक्सपर्ट्स की बातों से क्रिप्टो करेंसी को लेकर के? देखिए नितिन जी, दरअसल जो हमारी एक अर्थव्यवस्था जिसके तहत हम सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, मतलब हमारी सरकारें चलती हैं, हमारा देश चलता है और इकोनॉमी चलती है, जिससे कि हमारा एक जीवन यापन भी होता है, इंडस्ट्रीज चलती हैं, मतलब वो सारी कुछ को रेगुलेट करता है। और एक और बहुत बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ की एग्जिस्टेंस
नहीं है एक प्रकार से कहूं मैं, और जिसको हम मान्यता नहीं दे रहे हैं, जो प्राइवेटाइज है, मतलब मेरा है और आपका है बिल्कुल, या किसी एक्स का है वाई का है, लेकिन उसमें कोई रेगुलेशन नहीं है और वो इंडिविजुअलाइज्ड है, तो वो पब्लिक के, वो इंडिविजुअल का हो सकता है, पब्लिक का नहीं हो सकता है। उसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमने किसी एक्स बिटकॉइन या किसी करेंसी में पैसा लगाया, लेकिन उस पैसे पे किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई रेगुलेशन नहीं है, ये भी कहिए, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात करें, राष्ट्रीय स्तर का तो मामला ही नहीं है, ये तो इंटरनेशनल लेवल का मामला है। तो मान लीजिए कि हमारे पास इंटरनेशनल बॉडीज भी हैं, लेकिन वो किन फील्ड्स में है और कैसे काम करती हैं, उनके एक सेट लॉज हैं। जैसे मान लीजिए WHO है, तो WHO का काम जो है वो हेल्थ की फील्ड में रेगुलेट करना है, चीजों के बारे में दुनिया भर को वार्न करना है और दुनिया को ये बताना है कि इससे कैसे डील करना है। लेकिन क्रिप्टो के बारे में तो ऐसी कोई जानकारी और अथॉरिटी है ही नहीं है वर्ल्ड वाइड, तो इसको एक्सेप्ट कैसे किया जाए, इसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा, इसके प्रॉफिट लॉस एक्स, मतलब देखिए आप KYC कह देते हैं, KYC बड़ा इजी वर्ड है, लेकिन उस KYC को कौन कंट्रोल करेगा, हु इज बिहाइंड दैट KYC को कंट्रोल, क्या प्राइवेट लोग करेंगे? मतलब मैं जो है, चाहे जिन बड़े बड़े उद्योगपतियों का अमेरिकन और इनको नाम आता है, अगर मैं कहूं क्या वो हमारी टोटल इकोनॉमी को कंट्रोल करना चालू कर देंगे, क्या KYC वो इशू करेंगे? नो, इसके लिए एक रेगुलेशन होना चाहिए। और सबसे पहली बात है, जिस चीज का एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको हम जान नहीं सकते, उसमें इन्वेस्ट करना अपने आप को धोखा देना है जे। अगर कहीं वो बैठ गया तो आपकी अर्थव्यवस्था का क्या होगा कल, मुझे इस बात सवाल का भी जवाब चाहिए। इसकी तो जो एक्सपोर्ट है उन्हें ये बताना होगा कि आपके पास सिक्योरिटी क्या है, व्हाट इज गारंटी, अगर जो लॉ जो खत्म हो गया वो बर्बाद हो जाएगा। मतलब हम किसानों कहते हैं कि वो फसल का नुकसान होने पे उनकी अर्थव्यवस्था घर की या उनकी बिगड़ जाती है तो आत्महत्या कर लेते हैं, और ये हमारी नई जनरेशन जो इस पे बिलीव करके आज पैसा लगा रही है, जिसका कि एज ग्रुप बहुत यंग है, उसके सामने आने वाला 30-40 साल का अभी और जीवन का समय बचा है, अगर उसके साथ कुछ होगा तो उन परिवारों का क्या होगा, ठीक है, जिनके वो बच्चे हैं उनका क्या होगा, क्या टोटल इकोनॉमी को हम ऐसे छोड़ सकते हैं जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? ठीक है सर, इस इकोनॉमी को कोलैप्स करने की दिशा में हम नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो ऐसी चीजों को रेगुलेट सेकेंडरी, बैन फर्स्टली किया जाना चाहिए। बिल्कुल सर। चिन्मय भाई, आपने दिलीप सर की बात सुनी, दिलीप जी की बात सुनी है, और आपने विजय जी की भी बात सुनी है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मैं अभी फिर से बोलूंगा कि आप बैन वाली बात पर हंस भी रहे थे, मैंने ये देखा। नहीं, उसका रीजन बहुत क्लियर है कि दुनिया के किसी भी नेशन ने अभी तक क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया। जिन्होंने कोशिश करी बैन करने की, उन्हें बैन वापस लेना पड़ा। रिजर्व बैंक ने जब पहली बार उसको बैन किया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके बताना पड़ा कि क्रिप्टो करेंसी पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपना डिसीजन दिया था इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो रिस्क फैक्टर्स को देख कर दिया होगा। उसके अलावा मैं बात करता हूँ, जब मैं इनकी बातें सुन रहा था तो कुछ बातें मुझे भी समझ में आई जो ये चाहते हैं। देखिए कॉमन पब्लिक के बात, चाहता कोई नहीं है। चिन्मय भाई सुनिए, मेरी बात सुनिए, चाहता कोई नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा। दूसरी चीज, हमारी सरकार ने अगर कल बैठक बुलाकर इस पर चर्चा की तो जाहिर सी बात है, सुनिए मेरी बात सुनिए, सरकार ने कुछ सोचा होगा। तीसरी चीज, प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया और उस बयान में यह भी कहा कि जितने हमारे देश हैं जो लोकतांत्रिक देश हैं, उनको कहीं ना कहीं इस पर नजर बनानी जरूरी है, मॉनिटरिंग करना जरूरी है, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान हो सकता है और लगातार हमारे जो युवा हैं वो इसमें फंसते जा रहे हैं। तो भाई, अगर इस तरह की बयान या इस तरह की चीजें देश की सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आ रहे हैं, या जो सर्वोच्च बैंकिंग सेक्टर्स हैं वहां से आ रहे हैं, या फिर हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ रिस्क तो होगा ही ना। नितिन में देखिए, सरकार की तरफ से उन्होंने RBI को इनफैक्ट कहा है कि आप भी अपने क्रिप्टो करेंसी के लेकर आइए बाजार में। तो ये बात तो क्लियर है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी को लेकर इंटरेस्टेड है। हाँ, प्राइवेट प्लेयर्स का जो इंटरवेंशन है, जितने प्राइवेट प्लेयर्स अभी आए हैं, तो उनको लगता है कि कोई ना कोई एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बना दे, जैसे कि अभी नॉर्मल ट्रांजेक्शन के लिए, बैंकिंग्स के लिए उन्होंने SEBI बना के रखा है। तो नियर फ्यूचर में हम देखेंगे कि एक ऐसी बॉडी बनकर आएगी जो क्रिप्टो करेंसी को भी कंट्रोल करेगा। देखिए, क्रिप्टो करेंसी जिस तरह से पांव पसार रहा है चारों तरफ,
पूरे आप वर्ल्ड मैप देख लीजिए तो ऑलमोस्ट हर जगह पे क्रिप्टो करेंसी की प्रेवलेंस मिलेगी आपको। और उसका रीजन यही है कि जिस जो जो टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, देखिए कौन नहीं चाहता है कि उसका पैसा सेफ हो, हर आदमी चाहता है उसका पैसा सेफ हो। साइबर सिक्योरिटी के मामले में भी क्रिप्टो करेंसी नंबर वन पे है, ट्रांसफर आसानी से हो सकता है, ठीक है, आप देख नहीं सकते, इन्होंने कहा पैसा दिख नहीं सकता है आपको। आपको क्या शेयर मार्केट में आपके शेयर्स दिखते हैं? अब शेयर मार्केट में लोग अगर इन्वेस्ट करके बीएससी अगर क्रैश कर जाए, लोगों का पैसा डूब जाए, तो क्या बीएससी को बंद कर देंगे? लोग अगर बीएससी स्टॉक एक्सचेंज पे पैसा डूब जाते हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कितने कितने एग्जांपल्स हैं ऐसे कि क्रिप्टो करेंसी पे लोगों ने सुसाइड कर लिया। दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं ले लेता हूं। बीएससी क्रैश नहीं करती है, बीएससी क्रैश नहीं करती है, और शेयर्स दिखते हैं, शेयर्स दिखते हैं, अभी तक फिजिकल फॉर्म में होते थे, अब डिजिटल फॉर्म में होते हैं। आप डायलॉग अब नहीं होते हैं, अब जो लिस्टेड नहीं है लेकिन वो अभी भी फिजिकल फॉर्म में है, जो लिस्टेड कंपनीज नहीं है उनके शेयर्स आज भी फिजिकल फॉर्म में ही हैं, जो लिस्टेड हैं उनके डिजिटल फॉर्म में है, और आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट होता है उसका। दूसरा ये होता है, और दूसरा जो आपने सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए लॉ की बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उस फंडामेंटल राइट्स में हमें राइट टू बिजनेस भी है कि हम क्या व्यापार करेंगे। तो अगर कोई मुझे व्यापार करने से रोक रहा है तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है कि भाई इनको व्यापार करने से, इनको इन्वेस्ट करने से ना रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पैसे की गारंटी, रिटर्न की गारंटी या सेफ्टी की गारंटी नहीं ली थी। यहां मैटर सिर्फ इतना था, सुप्रीम कोर्ट के ये कह देने से कि इन्वेस्टमेंट्स अलाउ कर दिया जाए, ये चीज लीगल नहीं हो जाती है, और आज अगर मेरा पैसा डूब जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको वापस नहीं करेगा। लॉ में बहुत सारी माइन्यूट चीजें होती हैं जिनको समझने की जरूरत होती है, और लॉ वो नहीं होता है जो लाइन में दिखाई दे रहा होता है, उसका इंटेंशन क्या होता है कहने का वो समझने की कोशिश करिए। क्रिप्टो करेंसी अगर आप एक मनी का कंट्रोल प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे देंगे और विदाउट रेगुलेशन दे देंगे, विदाउट लॉ दे देंगे, तो मेरा जितना मन चाहे मैं नोट छाप दूं। आज मैं अगर बिटकॉइन इशू कर रहा हूं और मुझे आज फ्रॉड करना है तो मैंने 21 मिलियन डॉलर के 42 मिलियन डॉलर बिटकॉइन इशू कर दिया और मैं भाग गया, मुझे कौन ढूंढेगा, कहां ढूंढेगा, कौन सी गवर्नमेंट ढूंढेगी, क्या मेरा किसी ये बताइए। नहीं, मैं आ रहा हूं आपकी बात पर। जिन कंट्रीज ने इसको लीगल किया है, ठीक, वहां तो ठीक है, गवर्नमेंट ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, लेकिन जिन कंट्रीज ने लीगल किया है, क्या हमारी उनके साथ कोई इंटरनेशनल ट्रीटी, क्या कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है? नहीं है। मैं इंडिया के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, इंडिया के रेस्पेक्ट में ये स्पेक्यूलेशन विदाउट रेगुलेशन है, टेक्निकली अच्छा हो सकता है, सेफ हो सकता है, बट लीगली इट इज नॉट सेफ, नेवर सेफ। संजीव भाई क्या कहना चाह रहे थे? कुछ कहना ये चाह रहे हैं, जैसे कि सर बोल रहे थे कि यहाँ बैन किया जाए या नहीं हो सकता है। नहीं, मैंने कह रहा हूँ बैन किया जाए, रेगुलेट किया जाए, रेगुलेट किया जाए, उसमें कोई नितिन भाई मैं सेफ्टी मेजर्स तो रहे, कम से कम कोई नजर बनाने वाला तो रहे। भाई मैं बताना, मैं आपको एक रिपोर्ट बता रहा हूँ संजीव जी, उसके बाद आप बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना के समय में चीन जो कि तकनीकी मामलों में बहुत बेहतर है, 2020 की मेरे पास एक रिपोर्ट है, कोरोना के समय पर वहां पर 9 दिन के अंदर म्यूचुअल फंड्स में 26,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया था, लोगों के पैसे डूब गए थे क्योंकि कोई मॉनिटरिंग नहीं है म्यूचुअल फंड में। हाँ, म्यूचुअल फंड में घोटाला हुआ था। बिल्कुल, उस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ हुआ ना, पैसा तो वो भी डिजिटल है ना, हुआ ना। मैं बताना चाहूंगा, आज दुनिया सब चीज में डिजिटल हो रही है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि डिजिटलाइज होना, तो सारी डिजिटल हो रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्रिप्टो करेंसी ऐसा है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, आप उसे पब्लिक, ये ओपन ब्लॉकचेन एक ओपन लेजर होता है जिसे हर व्यक्ति देख सकता है, लेकिन इसको एक लिमिट, जैसा मैंने कहा कि 21 मिलियन, वो 21 मिलियन से अधिक नहीं बनाए जा सकते हैं, वो लिमिट है। लिमिट इसलिए है क्योंकि उस पे लोगों का ये दिखा कि इससे हम यूज करके, इसे लेन देन करके आप ट्रांजैक्शन से बेनिफिट निकाल सकते हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई के तहत उसकी ट्रांजैक्शन, उसकी रेट बढ़ने शुरू हो गए जो पूरे वर्ल्ड लेवल चले गए। अगर किसी देश ने उसे अनुमति दिया है तो कुछ देखा, उसे नहीं रोक सकता था, उसे देखा कि यहां से बेनिफिट लिया जा सकता है, गवर्नमेंट को भी फायदे मिल सकते हैं, तो उन्हें रेगुलेटरी बना दिया। सेम वही मैं कहना चाहूंगा, जैसे 1932 में भारत सरकार में इन्वेस्टमेंट का प्लान शुरू हुआ, 1935 में आरबीआई का गठन हुआ, उसी तरह से आईआरडीए का आया,
फिर सेबी का आया, ट्राई का आया, उसी तरह से हमारा कहने का मतलब, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसको युवाओं को उसमें झोंका जाए, लेकिन 70,000 करोड़ रुपया जब इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया गया अभी तक, तो इससे पहले गवर्नमेंट ने उस पर रोक नहीं लगाया, 70,000 करोड़ जब पहुंच गया उसके बाद से कर ये बैन करना है, लेकिन बैन न किया जाए, मेरा कहने का मतलब रेगुलेट किया जिससे उनका नुकसान भी ना हो और आने वाले समय में सारी चीज सिस्टमेटिक चलता रहे। आप लोग कह रहे हैं कि किसी भी देश में अभी तक इसको बैन नहीं किया गया, जहां तक मुझे जो जानकारी है कि चीन हो गया, नेपाल हो गया, वियतनाम हो गया, ये सारे जो प्रमुख देश है इन्होंने इसको बैन किया हुआ है, ये भी कहा कि अगर कोई करता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाएंगे हम। सर मैं बताना चाहूंगा कि वहां पे बैन नहीं किया, वहां पे क्या कहते हैं, माइनिंग बंद किए गए हैं, जैसे सर अभी बोल रहे थे कि जितना चाहे उतना इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, वो पैसे को लगाते कहां, तो मैं बताना चाहूंगा कि सर ये माइनर्स के द्वारा माइनिंग होती है, ये क्रिप्टो करेंसी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन जब होता है ना, तब वो ट्रांजेक्शन के समय एक मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा, तो माइनिंग होती है और तैयार होता है, वो किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के पास नहीं जाता, एक व्यक्ति खरीदार का होता है और एक सेलर होता है, जिस तरह से आपके शेयर होते हैं आईपीओ जारी की जाती है जब, तो आईपीओ गवर्नमेंट गवर्नमेंट कर रहे हैं अपना कंपनी जारी करती है, पब्लिक कंपनी वो सेल कर लेती है नहीं, जब भाई हम ये कह रहे थे ना कि चीन से बहतर टेक्नोलॉजी तो शायद भारत की नहीं है। नहीं, नहीं, मैं सर की बात को दो मिनट बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। आपने जो बताया ना कि पीयर टू पीयर कंट्रोल होता है, ये सारा टेक्निकल कंट्रोलिंग है उसकी। बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन ये था कि आज मैंने रिलायंस का आईपीओ लिया या मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा, तो मुझे पता है कि रिलायंस एनर्जी में है, पेट्रोलियम में है, टेलीकॉम में है, टेक्सटाइल में है, दुनिया भर में, और वो पैसा अपने बिजनेस में लगा रहा है, लेकिन जो बिटकॉइन कंपनीज हैं ये अपना पैसा कहां लगा रही, मुझे प्रॉफिट कहां से दे रही। मैं बताना चाहूंगा, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस चीज को आप समझ नहीं पा रहे, बताइए, क्योंकि बिटकॉइन के पैसे कहीं लगाए नहीं जाते, वो डिमांड के ऊपर चलते हैं, यही तो मैं कह रहा हूं सर, डिमांड सप्लाई का खेल है सारा, तो मैं डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलता है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर ट्रांजेक्शन होते हैं जिससे कि ये जनरेशन होता है, नया जनरेट होता है, ये डिमांड बढ़ती जाती है, सप्लाई घटती है, तो इसका रेट इंक्रीज, जैसे कि मान लीजिए ये ग्लास है, इस ग्लास में पानी पीने से आप करोड़पति बन सकते हैं, और मैंने कहा कि इसकी कीमत 10 लाख रुपए है, तो कितने लोग खरीदार आ जाएंगे, सभी लोग खरीदने के लिए आएंगे, तो इसकी डिमांड बढ़ती गई, और इसके वो जो शेयर्स में आपके होते हैं बाई और सेल डिमांड और सप्लाई सेम उसी तरह से डिमांड नहीं, 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 शेयर्स में ये फॉर्मूला नहीं चलता है सर, भी आपके फॉर्मूले नहीं बायर सेलर वो एक होता है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन शेयर्स की जो प्राइजेस होती हैं वो बाइंग एंड सेलिंग पे डिपेंड करती हैं, बट थारोली उसी पे बेस नहीं करती, वो कंपनी की परफॉर्मेंस पे बेस करती है। बिल्कुल, मैं उसका शेयर अगर आज आईपीओ में 100 रुपए में लाया हूं और कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो वो आईपीओ जैसे किसी भी कंपनी का ले लीजिए, जो 10 साल पहले 10 रुपए का शेयर था, आज वो 500 रुपए का है, तो वो खरीदने बेचने की वजह से नहीं है, वो कंपनी की ग्रोथ की वजह से, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से है, उसका जो इक्विटी रेशियो है उसकी वजह से है, और वो इक्विटी रेशियो, वो प्रॉफिटेबिलिटी उसके बिजनेस से निकाली जाती है, खाली मेरे खरीदने और बेचने से नहीं निकाली जाती, तो वही चीज यहाँ देखिए, वहां पे तो उनके प्रॉफिट के द्वारा, यहाँ पे उस पैसे को कहीं दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट न करके डिमांड और सप्लाई के आधार पर, सर यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने मुझसे लिया, इनको दिया, इनसे लिया, उनके दिया, मेरी बात तो समझ लीजिए, ये ट्रांजेक्शन के आधार पर होते हैं, जो क्रिप्टो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, अब इसे यूज ज्यादा करके, जैसे अच्छा सर एंड कौन है इसका, एंड मालिक कौन है ये बता दीजिए, ट्रांसपेरेंट है तो इसका मालिक कौन मालिक है इसका, ये डिसेंट्रलाइज होता है सर, तो कौन भाई, तो पहले डिसेंट्रलाइज है तो कौन मालिक है इसका, मैं वही बताना चाहता हूँ, ये डिसेंट्रलाइज है, ये जिसकी वजह से वो पब्लिक अपने खुद का वहां पे, मतलब उसकी होल्डिंग होती है, जहां पब्लिक का कंट्रोल है, कोई होल्डिंग तो है, कंट्रोल है, कंट्रोल उसी के लिए तो गवर्नमेंट बॉडी बनाई जा रही है, उसके लिए तो लाया जा रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं आज की स्थिति पे कंट्रोलिंग बॉडी बन जाने के बाद तो ये सेफ हो जाएगा, वो तो मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आज की स्थिति पर बात कर रहा हूँ, जो आज की स्थिति में मैं पैसा इन्वेस्ट तो कर सकता हूँ, वो मेरे हाथ में है, लेकिन मैं पैसा अगर कल को वो इंडिविजुअल प्लेयर ताला बंद करके चला जाए और बिटकॉइन पे ताला लग जाए, तो मैं किससे क्लेम करूंगा, बताना चाहूंगा, बिटकॉइन पे कभी रोक लगाया ही नहीं जा सकता सर, ये तो ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज आती थी, जो चिट फंड कंपनीज आती थी, वो 3 दिन में पैसा डबल करती थी हिंदुस्तान में, चिट फंड में और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अलग है, कोई अलग नहीं है, वो मैनुअल होता था, ये डिजिटल है, डिजिटल है, कोई फर्क नहीं है, रोक कोई नहीं लगा सकता, इसको रेगुलेट कर सकते हैं, रोक नहीं लगा सकते हैं, मैं रोक लगाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, मैं रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ, इसलिए रोक नहीं लगाया था कि बंद हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि वो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन के आधार पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, जिसकी ट्रांजेक्शन पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल
ये कानून नहीं है जिसको बंद सर, ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में जब कंप्यूटर आया था, कानून बनाया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। सर जब कंप्यूटर आया था तो इतनी बड़ी स्क्रीन हुआ करती थी पूरी दीवार के बराबर, आज इतनी हो गई है। आज मोबाइल में पूरी दुनिया सिमट गई है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको रोका जाना चाहिए, मैं रोके जाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आज की डेट में ये लीगल नहीं है, सेफ नहीं है, आपको यही लेकिन अगर कल को गवर्नमेंट रेगुलेशन ले आती है तो इट कैन बी अ गुड मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग। देखिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए मैं आपको वो भी बता दूं कि भारत में इन्वेस्टमेंट्स की जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत घट गई है। पहले आदमी एफडी में पैसा लगाता था और आज भी ट्रेडिशनल आदमी सबसे पहले एफडी को, एनएससी को, पीपीएफ को प्रेफर करता है, लेकिन पीपीएफ को छोड़ करके बाकी जितनी चीजें हैं उनमें इंटरेस्ट का रेट इतना ज्यादा घट गया है कि आपके पैसे की कोई वर्थ नहीं है। हमें पैसे की वर्थ चाहिए। आज अगर मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूं या मैं प्राइवेट बिजनेसमैन हूं, मैं एक प्रोफेशनल हूं, मुझे कोई पेंशन नहीं मिलनी है भविष्य में, मेरी आज की सेविंग ही मेरा भविष्य बनाएगी। लेकिन आज की डेट में ऐसी कोई सेविंग नहीं है जो मेरे पैसे की वर्थ मुझे दे पाए। म्यूचुअल फंड देता है, शेयर्स रिस्क है, लेकिन ये दोनों चीजें रिस्क पर डिपेंड करती हैं। क्रिप्टो करेंसी उसका एक बेहतर ऑल्टरनेट है, सब्जेक्ट टू कि ये लीगलाइज हो जाए। ठीक है विजय जी, जी आपने बातें सुनी जी, और क्या सरकार को और बेहतर कदम इसको देखते हुए उठाने चाहिए, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स तो कई चीज़ों में वो कह रहे हैं कि ये कहीं पर भी बैन नहीं है, वो भी बता दिया गया कि कहाँ कहाँ पर बैन है, इस पर किसी प्रकार की कोई रेगुलेटरी नहीं है, किसी प्रकार की कोई नियंत्रण नहीं है, कोई इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन लीगल बताने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से, आप इस बात से कितना सहमत? नहीं, लीगल देखिए नितिन जी, किसी चीज़ को हम लीगल तब कह सकते हैं जब वो एक एक्ट के तहत हो, एक रेगुलेशन के तहत हो, चाहे वो एक देश में हो या दुनिया भर के लिए। नहीं, ये बता रहे कि किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं, सब ट्रांसपेरेंट है। नहीं, ट्रांसपेरेंट मींस व्हाट, कैसा ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट मतलब कि उसकी गारंटी हो किसी चीज की भी। देखिए अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल धरातल पे चलने वाली चीज है, वो हवा में नहीं होती है, वो टेक्नोलॉजी में नहीं होती है, वो आपके सामने होती है। हम अगर किसी कंपनी का शेयर परचेज करते हैं तो हम जानते हैं उसका नाम रिलायंस है, उसका नाम किर्लोस्कर है, उसका नाम टाटा है, बट हम क्रिप्टो का नाम ये नहीं जानते। हम क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन जिसको कहा जाता है, बिटकॉइन का कौन ऑनर है, कौन उसकी गारंटी देगा, हम किसके पास किसी रेगुलेशन के तहत भी जाएंगे तो कहां जाएंगे? आप मेरी जो देखिए, टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छी चीज है। आज हम जो है ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, हमारे पास एक बैंक का ओटीपी आता है और वो पेमेंट एक बैंक के चैनल के थ्रू, एक ओटीपी के थ्रू सिक्योर होके चली जाती है, वो पेमेंट हो गया। लेकिन हम जानना ये चाहते हैं कि जो बिटकॉइन है इसका, जैसे मैंने कहा कि टाटा का एक शेयर है, अगर मैंने अगर 5000 रुपए का किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो मैं उस कंपनी के नाम से उसके शेयर लिस्टेड हैं, उसकी लिस्टेड प्राइस क्या है, उसकी ट्रेडिंग वैल्यू क्या है, ये मुझे पता होता है। लेकिन यहां तो एग्जिस्टेंस नहीं है ना, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनको पहले रेगुलेट किया जाए किसी एक्ट के तहत। अगर मान लीजिए ये इंटरनेशनल लेवल पर भी हैं तो इनको इंटरनेशनली हमको रेगुलेट करना होगा। बिना रेगुलेशन के ये किसी वक्त भी ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती है जबकि कोलैप्स कर जाए। चलिए एक बहुत बड़ी बात पुरानी बताता हूं आपको। एक हमारे देश में हर्षद मेहता कांड हुआ था, ये पूरी जो है हमारी जो शेयर मार्केट थी उसको आर्टिफिशियली रेज किया गया और जैसे ही चीजों का खुलासा हुआ तो पूरा मार्केट क्रैश कर गया और हमारा जो शेयर मार्केट था वो हर्षद मेहता कांड के नाम से एक पूरा चैप्टर लिखता है। तो हम अगर मान लीजिए, ये तो ऐसी बात में बता रहा हूं जिसका कि कोई एक्सचेंज है, जिसका कोई रेगुलेशन है, कोई चीजें एग्जिस्ट करती है, वहां लोग आपके सामने खड़े हुए हैं, शेयर मार्केट बैठा हुआ है, जो हमारा सेंसेक्स या निफ्टी और सेंसेक्स जिसको हम कहते हैं वो वहां रोज कुछ ना कुछ चल रहा है, वहां लोग उस हर आईपीओ या इश्यूज पे पैसा लगाते हैं और उसकी बोली लगती है। लेकिन यहां किस चीज का है, ये जो चैन टू चैन ब्लॉक टू ब्लॉक की बात है, इसका क्या रेगुलेशन है, किस एक्ट के तहत हम कैसे इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी रेगुलेट करेंगे? भाई देखिए, चाहे हम डॉलर डॉलर कहते हैं या रुपी रुपी कहते हैं, तो हम डॉलर और रुपी को जानते हैं, वो चाहे अमेरिका में चले या यूरोपियन कंट्रीज में चले, वो डॉलर चलता है वहां पे, वो मार्केट में एक्सचेंज होता है। अगर इसका भी एक प्रॉपर रेगुलेशन बनता है और इसकी अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड, मतलब
दुनिया भर में अंडरस्टैंडिंग के साथ में दुनिया भर के देश अगर अलाउ करें तो आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं ऑथेंटिकली, बट विदाउट रेगुलेशन विदाउट एक्ट आप इसको कैसे रेगुलेट करेंगे, कैसे कंट्रोल होगा, इसका कोई अभी अर्थमेटिक्स कैलकुलेशन मैथमेटिक्स या जो भी कह लीजिए उसको नहीं है अवेलेबल, नहीं है बिल्कुल। तो हमारी समस्या जो है वो अपनी इकोनॉमी अपनी चीजों को बचाना है, हम जिस चीज के लिए काम करते हैं जो हमारे एसेट्स हैं हम उनको विदाउट नोइंग एनीथिंग वी कैन नॉट थ्रो इट इनटू डार्क, ठीक है। मेरा एक सिंपल सा समझ में नहीं आती बात कि क्रिप्टो का जो कंट्रोल अगर नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, तो हम कैसे, जैसे हम सट्टा बाजार चलता है, अगर सट्टे पे गिलास पे जैसा कि हमारे एक्सपर्ट साहब कह रहे थे कि इस गिलास में क्या भरा है, इस पे क्या दाम है, उसके अनुसार दाम लगता जाएगा। अरे भाई तो सट्टा खिलाइए ना, लॉटरी क्यों बंद कर दी सरकार ने, आज अलाउ कर दीजिए लॉटरी को, व्हाट इज द प्रॉब्लम, एक आदमी को करोड़पति घोषित कर देंगे हम। सर यहाँ पे एक ये ब्लॉकचेन और पिलर है ना, इसका कुछ डेफिनेशन चाहिए, वी वांट टू नो व्हाट इज दैट, उसका क्या रेगुलेशन है, कौन आदमी है, कैसे हो रहा है सब कुछ, ठीक है। ये हवा में कुछ नहीं चल सकता है सर, मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद फिर इस चर्चा को शुरू करेंगे। क्रिप्टो लेना है बट डोंट नो हाउ टू बाय इट, इट्स सिंपल विद रजिस्टर ऑन torrentexchange.org and complete the KYC. You can get 5,000 Shiba coin. Refer your friends and get 10,000 Shiba coin. torrentexchange.org, India's best trading platform. TorrentX hai, to safe hai. आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी एमएक्स प्लेयर पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। राजधानी से लेकर हर तहसील तक, जनता की समस्या से राजनीति तक, आपकी आवाज को धार देते हैं हम, बात भ्रष्टाचार की हो या बढ़ते अपराध, सच दिखाने का रखते हैं दम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखे हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर, सबसे सटीक सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। न हिंदू में हूं न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं, सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर। क्रिप्टो लेना है बट डोंट नो हाउ टू बाय इट, इट्स सिंपल विद रजिस्टर ऑन torrentexchange.org एंड कंप्लीट द केवाईसी, यू कैन गेट 5,000 शिबा कॉइन, रेफर योर फ्रेंड्स एंड गेट 10,000 शिबा कॉइन। torrentexchange.org, India's best trading platform. TorrentX है तो सेफ है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं चिन्मय जी के पास चलूंगा और इस डिबेट को खत्म करूंगा। संजीव भाई मैं कहना चाहूंगा, जैसे सर बोल रहे थे कि रेगुलेट करना चाहिए, मैं चाहता हूं कि रेगुलेट हो, लेकिन इससे पहले भी शेयर्स की बात हुई, बैंकों की बात हुई, नीरव मोदी ने इस रेगुलेशन के तहत भी हजारों करोड़ का घोटाला करके यहाँ से इंडिया से बाहर चले गए। सेंट्रलाइज होने की वजह से वो चीजें पता नहीं चल पाई, ये डिसेंट्रलाइज होने की वजह से पीयर ट्रांजेक्शन जो होता है, जो हजारों कंप्यूटर के द्वारा इसकी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो एक दूसरे को लोग देख सकते हैं। दिलीप जी गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को खुद अपनाए, क्योंकि ये हर लोगों के बीच में इसके ट्रांजेक्शन दिखते रहते हैं, जहां से कभी इस तरह की ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जिसके से घोटाले और तमाम सारी चीजें नहीं की जा सकती है। ठीक है, कंक्लूड। ये चीजें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संभव है रोकना। मैं ये नहीं कहता हूं कि अभी गवर्नमेंट बॉडी नहीं बनी हुई है तो ये बहुत नुकसानदायक है, इस टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए गवर्नमेंट को, समझ करके इस पे रेगुलेटरी बॉडी लाए, जिससे लोगों को बेनिफिट भी है, नुकसान भी रोके जा सकते हैं। आज तक आप लोग क्यों नहीं समझा रहे थे इतना कुछ,
आज तक समझाने का मौका नहीं मिला, इसलिए समझा रहे थे हम लोग। तो बहुत सारे लोग आज इतने 70,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कैसे हो गए, लोगों ने समझा तो पहुंचा उस जगह पे। कुछ लोग ना समझ बन करके इन्वेस्टमेंट किए जिनको पता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें समझ करके पहुंचे हैं जिनको खुद उन्होंने सीखा, क्योंकि आप देख रहे होंगे सब एजुकेटेड और नए लड़के हैं जिनको पूरी जानकारी लेने के बाद उन लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने काम किया। ठीक है चिन्मय जी, अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए। अभी जब स्टार्ट हो रहा था तो उन्होंने बताया कि बिटकॉइन कहाँ चेंज करेंगे पता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी है, उसके अलावा बिटकॉइन के जैसे 10,000 क्रिप्टो करेंसी और है मार्केट में, और बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज पॉइंट बने हुए हैं जो विथ ट्रांसपेरेंसी, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को एक्सचेंज दे रही है। इंडिया में नहीं है, इंडिया में एक भी नहीं है। इंडिया में भी है सर। सर वजीर एक्स है जो बाहर से रेगुलेट जरूर कर रही है पर इंडिया में रेगुलेट कर रही है। अब अभी मैं ब्रेक के दौरान सुन रहा था टोरेंट एक्सचेंज के बारे में, तो लगा अगर आपको ये लगता है कि कोई करेंसी है ही नहीं, आज आपके पास बिटकॉइन है और आपके पास इथर है, आपके पास कोई भी क्रिप्टो ले लीजिए जो जो रजिस्टर्ड है, आप उसको एक्सचेंज आसानी से एक्सचेंज पॉइंट पे कर सकते हैं। सर कहाँ रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन कहाँ पर है ये पूछ रहा है, कहाँ रजिस्टर्ड है। टेक्नोलॉजी है, ये रेगुलेशंस नहीं है, ये लॉ नहीं है, ये एक्ट नहीं है सर, ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल है। मैं आपकी बात से टेक्निकली पूरा सहमत हूँ, आपकी बात को एक भी डिफर नहीं कर रहा हूँ, 100% आप जो कह रहे हैं वो टेक्नोलॉजिकली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट ये जो टेक्नोलॉजिकल सेफ गार्ड है ये लीगल सेफ गार्ड नहीं है। कहाँ रजिस्ट्रेशन है बताइए, इसी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को और गवर्नमेंट एक अध्यादेश के रूप में सामने लाए, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाए, हाँ, तो लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचे। हाँ यही तो मैं भी कह रहा हूँ, यही तो हम सब कह रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि मैं अभी जो बात मेरा जो डिफरेंस है वो आज की स्थिति से है। सर, कल गवर्नमेंट लॉ ले आएगी तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं है, फिर तो मुझे पता है कि अभी सेफ गार्ड है। सर टेक्नोलॉजी इनोवेशन तो होगा ना, बिल्कुल होगा। अब लगा अब जिस तरह से मॉनिटरिंग भी तो होगी ना उसमें भाई। आप देखिए टेक्नोलॉजिकली उसको ओवरलुक करनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकली तो OTT भी एक प्लेटफॉर्म है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, आज कई 1,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है, बट उस पर भी कोई रेगुलेशन नहीं है। उस पर भी थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि हम रेगुलेशन लेकर के आएंगे, उस पर कितना क्या कुछ परोसा जाता है यंग बच्चों के सामने वो आपको भी पता है। सेक्स किस तरीके से ओपन करके दिखाया जा रहा है, भारत की जो संस्कृति है उसको किस तरीके से तार तार किया जा रहा है OTT पे, ये भी आपको पता है। गाली देना एक आम बात हो गई है OTT पे। कोई भी चीज जो टेक्नोलॉजी अच्छी है उसको हम समाज की नजर से या कानून की नजर से अच्छा नहीं कह सकते उसको। आपके बात पे पूरी तरीके से हम लोग सहमत हैं और हमें भी लगता है कि बिना रेगुलेशन तो कोई भी चीज चल ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए। आपने जब स्टार्ट करा और इट इज अ स्पेकुलेशन बट शुड बी विद रेगुलेशन। यस यस, हम लोग भी कहते हैं कि हाँ स्पेकुलेशन तो जरूर है। अब जिस तरह से फायदा मिल रहा है लोगों को, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट पे फायदा मिल रहा है, तो बिटकॉइन को अगर रेगुलेट कर देते हैं तो अगर आज बिटकॉइन 10 करोड़ लोगों के पास है, हो सकता है आने वाले टाइम पे हर लोगों के पास बिटकॉइन हो। ठीक है, एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट तो बन ही सकता है बिटकॉइन। हाँ बन सकता है। और मैं बिटकॉइन के अलावा क्रिप्टो करेंसी वर्ड का यूज करूंगा क्योंकि लोगों को लगता है सिर्फ बिटकॉइन ही है, एक्चुअली बहुत सारे कंपनीज के क्रिप्टो करेंसी है। यस, और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि एक रास्ता निकाले ताकि इसको रेगुलेट कर पाए, ताकि पब्लिक किसी भी तरीके से चिटफंड ना समझे इसको। ठीक है, पब्लिक का पैसा डूबे तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल हो जो जवाबदेही दे सके। ठीक है, हो गया। दिलीप भाई लास्ट कमेंट कंक्लूजन दीजिए कि क्या बेहतर होना चाहिए। नहीं, कंक्लूजन आज की स्थिति के हिसाब से मैं बिटकॉइन को बिल्कुल भी बेकार कहूंगा, किसी से नहीं कहूंगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाँ ये अर्ली मनी है, इजी मनी है, बट ये आपकी मनी को लॉस भी कर सकता है। यस, अगर गवर्नमेंट लॉ ले आती है, हमारी इंटरनेशनल कन्वेंशन हो जाते हैं, ट्रीटी हो जाती है, या हमारे भारत में कोई लॉ बनता है, या हमारी इंडियन क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस अगर RBI करने की बात कर रहा है वो करता है, तो जरूर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सब्जेक्ट टू कि आप उसको पढ़ लिख के जैसे भी करना चाहते हैं, जो आप जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, शेयर्स में लगाते हैं, लाइक दैट आप इसमें भी पैसा लगा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू रिस्क, लेकिन उस रिस्क के पीछे बैकिंग गवर्नमेंट की होगी। तो विजय जी, क्लोजिंग कमेंट। बिल्कुल, जो यशवर्धन जी ने बिल्कुल सही बातें कही हैं, एक रेगुलेशन के बगैर मार्केट को रेगुलेट नहीं कर सकते, इस करेंसी को भी रेगुलेट नहीं कर सकते, तो रिस्क फैक्टर जो है बहुत ज्यादा है और जो भी है वो डार्क है। टेक्नोलॉजी को हम जो है अपने
बाजार का अपने अर्थव्यवस्था का आधार नहीं बना सकते, वो सब कुछ आधार किस बेस पर है, तो हवा में नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट्स या एसेट्स कंट्रोल वो एक सिस्टमेटिक है, और जो फ्रॉड्स की बात की जा रही है वो एक अलग इशू है, उसको इससे नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन जो ट्रेडिंग है उसके लिए एक प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए। विदाउट रेगुलेशन वी कैन नॉट रेगुलेट इट, और ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी अर्थव्यवस्था को किसी दिन कोलैप्स की ओर ले जा सकता है। ठीक है चिन्मय जी, क्लोजिंग कमेंट क्या कहना चाहेंगे, क्या बेहतर होना चाहिए? मैं तो ये चाहूंगा कि आने वाले टाइम पे जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी बढ़ रहा है, गवर्नमेंट एक रेगुलेशन बॉडी ले आए ताकि लोगों को रिस्क फैक्टर कम लगे, लोग और विश्वास जता पाए क्रिप्टो करेंसी पे, ताकि उनको ये एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट दिखे, ताकि दिलीप सर जैसे लोग, विजय सर जैसे लोगों को और विश्वास लगे, और जब अगली बार हम लोग डिबेट पे बैठे तो ये क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में बैठे हमारे सर। ठीक है संजीव भाई, मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से युवाओं को बढ़ते हुए क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट को बिल्कुल अध्यादेश के तरफ, मतलब बिल लाने के तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, और इस टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी से अगर 15 करोड़ युवाओं को पास पहुंचा हुआ वॉलेट पहुंच चुका है, क्रिप्टो पहुंच चुका है, तो इस पे उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और बेहतर आगे बिल लाना चाहिए। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो साथियों, जो डिजिटल है वो बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी में अगर अपडेट हो रही है टेक्नोलॉजी तो वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि अंधेर नगरी और चौपट राजा और 0/0। तो एक बार सोच समझ कर जरूर इस तरह की ये जो डिजिटल मनी या बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजें हैं, सारा दिमाग इस पर फोकस करके ही इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। फिलहाल हमारा तो यही कहना है कि जब तक सरकार इस पर कोई बड़ा कड़ा नियम नहीं बना देती है, तब तक इन सब चीजों से दूर रहिए, तभी बेहतर है, तभी भलाई है। आज के डिबेट में इतना ही, हमें दिजनमति, नमस्कार। आपने सुना क्या, torrent.org पर रजिस्टर और KYC कंप्लीट करने पर आप पा सकते हैं 5000 शिबा कॉइन, और अगर आप अपने दोस्तों को रेफर करते हैं तो 10000 शिबा कॉइन। टोरेंट टैक्स है तो सेफ है।